भारतीय अखाड़ा परिषद के नए चुने गए अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के महंत रविंदर पुरी ने घोषणा की है कि यूपी और उत्तराखंड चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उनकी इस घोषणा के बाद कई महंतों ने नाराजगी जताई है। पुरी ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी राम के साथ है, अखाड़ा परिषद उसके साथ है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सनातन धर्म को बचाना है तो योगी को दोबारा लाना है। हालांकि महंत रविंदर पुरी की ओर से भाजपा का खुले तौर पर समर्थन ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जो प्रयागराज में चुनावी होना है, पहले चुनाव होगा, उसके बाद कुंभ मेला होगा, उसमें जो भी कार्य होगा पूरा अखाड़ा परिषद उसमें सहयोग करेगा। और हमारा सबसे बड़ा जो मिशन अभी है, योगी जी को हमें जो है यूपी में दोबारा लाना है। जहाँ भी हमारे स्थान है, जो हमारे भगत है, जो जगत है, वहाँ जो हम जो है जा करके उनसे यही रखेंगे, हमें जो है योगी को दोबारा, अगर सनातन को बचाना है, योगी को दोबारा लाना है। बागामरी मठ के एक अनुयायी ने कहा कि अखाड़ा परिषद के लिए अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं की घोषणा करना अशोभनीय है। उसने अब जो पद धारण किया है उसकी गरिमा को कम कर दिया है। एबीएपी ने कभी इस तरह से व्यवहार नहीं किया है। हालांकि सभी जानते हैं कि भाजपा हमारे दिल में निकटतम है। हालांकि हमारे पास ऐसे शिष्य हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से भी जुड़े हैं और हम उन्हें त्यागने वाले भी नहीं हैं। आपको बता दें कि महंत रविंदर पुरी का एबीएपी के प्रमुख के रूप में चुनाव पहले ही विवादों में घिर गया है, क्योंकि सोमवार को प्रयागराज में हुई बैठक में 13 सदस्यों में से केवल 7 अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 21 अक्टूबर को एबीएपी के एक अन्य गुट की बैठक हरिद्वार में हुई, जहां एक कार्यकारी निकाय का गठन किया गया। बैठक में 7 अखाड़ों निर्मोही, निर्वाणी, दिगंबर, महानिर्वाणी, अटल, बड़ा उदासीन और निर्मल ने भाग लिया। रैंकों में विभाजन पर टिप्पणी करते हुए महंत रविंदर पुरी ने कहा कि हरिद्वार में एक फर्जी कार्यकारी निकाय बनाया गया है, क्योंकि जब महासचिव ने प्रयागराज में 25 अक्टूबर को एबीएपी की बैठक पहले ही निर्धारित की थी तो एक और बैठक क्यों थी। यह आम चलन है कि अध्यक्ष की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उसी अखाड़े का सदस्य अध्यक्ष बनाया जाता है। महासचिव महंत हरिगिरी ने कहा कि नए अध्यक्ष का चुनाव एबीएपी के नियम, कानून और परंपरा के अनुसार किया गया है और जो किसी कारणवश नहीं आए हैं, उम्मीद है कि वे निर्धारित 25 नवंबर को होने वाली बैठक में शामिल होंगे। देखिए, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। उन्होंने जो भी कार्यकारिणी बनाई है वो सही माने में न कोई एजेंडा है, न कोई प्रस्ताव है, उन्होंने फर्जी रूप से कार्यकारिणी बनाई है, उसका कोई महत्व नहीं है। जो इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।